नमस्कार, मैं आपका शेफ तरुण। हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैरिनेशन बनाई थी हमने चिकन की, तंदूर की रेड मैरिनेशन, जिससे मैंने पहले भी आपको बताया कि हम उससे 5-6 डिशेज बना सकते हैं। तो मैंने उसमें से आपको 8 डिश बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम आज बनाएंगे चिकन टिक्का। ठीक है, तो पहले हमने क्या लेना है, चिकन बोनलेस ले लेना है। ठीक है, हमने ले लिया चिकन बोनलेस। ये चिकन बोनलेस तो हमने ले लिया है, अब हम इसमें करेंगे फर्स्ट मैरिनेशन। इसकी जो है फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मैरिनेशन में हमने क्या डालना है, नमक डालना है, पर इसमें नमक हमने कम रखना है। वो इसलिए कम रखना है क्योंकि हमारा ऑलरेडी मैरिनेशन में नमक होता है, तो उसको हम कम रखेंगे। और फिर हमें डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्ची, ठीक है जी, और थोड़ा सा गरम मसाला, बस लिटिल बिट। और इसमें फिर हमने डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, हमने उसमें नहीं डाला है क्योंकि हम इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हम चिकन में डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, कि उसका जो है गार्लिक और जिंजर का फ्लेवर ज्यादा होने से कई बार कड़वा भी हो जाता है मसाला, तो इसलिए हमने इसी में डाला है। थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है, और वैसे सेम मस्टर्ड ऑयल। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब वैसे एज यूजुअल जो मैंने आपको पहले ही दिखाया है, ये हमारी ब्रेड मैरिनेशन जो हमने पहले बनाई थी, ऑलरेडी मेरी वीडियो में सारी रेसिपी है इसकी, जिससे आपको मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, जैसे पनीर टिक्का, मलाई टिक्का, आपका सोया चाप हो गया, मशरूम टिक्का हो गया, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का जो है, ये जो चीज़ें हैं आपकी, वो सारी की सारी इस एक मैरिनेशन से हम डन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट में इसको कर लिया और उसके बाद हमने अभी इसको करना है सेकेंड में, और सेकेंड में करने के लिए हम इसको पेस्ट को ऐसे डालेंगे। ठीक है, और जितनी हमें जरूरत है उतनी पेस्ट हम डाल लेंगे। पेस्ट डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अभी हमने क्या किया, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और हमारा जो है चिकन टिक्का, जो मैरिनेशन है चिकन टिक्के की, वो तैयार हो गई है। और इसके बाद जो अगला प्रोसेस है इसका, इसको हम तंदूर में सेकते हैं, हम ग्रिल भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, चैम्बर में भी सेक सकते हैं इसको हम। तो इसके लिए क्या है, हम स्क्यूर लेंगे, स्क्यूर यानी कि जो हमारा जिसमें हम इसको डालते हैं, उसके बाद हम इसको क्ले ओवन में सेक लेते हैं। तो क्ले ओवन में सेकने के लिए हमें जरूरी है कि उसका टेम्परेचर नोट होना चाहिए, जो टेम्परेचर होता है उसका 180 डिग्री सेल्सियस टू 220 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कि जिसमें हम इसको अच्छे से सेक सकें। और इसका जो है वो भी, जो अभी आप इसको मैरिनेशन को दो घंटे के लिए आप रख दीजिए, अच्छे से जूसी फ्लेवर आ जाएगा, चिकन टिक्का भी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम स्क्योर में भर के क्ले ओवन में सेक लेंगे, और फिर इसको सर्व विद ग्रीन चिली सॉस। वो जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, इसको कैसे सेकना है, कैसे तंदूर में हम डालेंगे, फिर उसकी प्लेटिंग करेंगे, फिर हम उसमें मिंट सॉस कैसे सर्व करेंगे, तो वो नेक्स्ट जो ऑफिस एपिसोड हम करेंगे तब उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या है, हमने सिर्फ आपको मैरिनेशन बता दी है चिकन टिक्के की, ऐसे कर दी है। सेम ऐसे ही आपने पनीर टिक्का, तंदूरी चिकन, ठीक है, मशरूम टिक्का, आपका सोया चाप, आप ऐसे इसको मैरिनेशन करके आराम से इसको व्हाट्सअप कर दो। नमस्कार, मैं आपका शेफ तरुण। हमने आज ये जो चिकन टिक्का बनाया है, चिकन टिक्के का जो फर्स्ट मैरिनेशन है, हमने इसमें सॉल्ट डाला है, लेमन डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है, ऑयल डाली है, थोड़ी सी देगी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है। वो फर्स्ट मैरिनेशन के बाद जो सेकंड मैरिनेशन है, ऑलरेडी मेरी वीडियो में आपको दिख जाएगा, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, तो उसको हमने फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों ही बता दिए। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच। नमस्कार।